तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे आपका पूरा का पूरा त्रैमासिक परीक्षा पेपर कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र विषय का, जो कि दोस्तों वाणिज्य और कला संकाय के लिए एक ही जैसा होता है। तो देखिएगा, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए आप सभी को इस वीडियो को बिल्कुल अंतिम समय तक जरूर देखना है, तभी जाके आपको पूरा क्वेश्चन पेपर समझ में आएगा। तो चलिएगा दोस्तों, बिना किसी देरी के देखते हैं और समझते हैं कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र विषय का क्वेश्चन पेपर आपका कैसा आएगा, कितने क्वेश्चंस दोस्तों यहां से परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे और कैसा आपका पेपर होगा। तो चलिएगा, आप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि आपका पेपर कैसा होगा। वीडियो को बिल्कुल दोस्तों लास्ट समय तक जरूर देखना है, ताकि दोस्तों आपको पूरा क्वेश्चन पेपर समझ में आ सके। तो देखिएगा दोस्तों, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर है आपका, आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हो। तो चलिएगा, अब इसको देखते हैं और समझते हैं। तो यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिएगा, इस जगह से आप लोग नोट कर सकते हो पूरा का पूरा इस चीज़ को। तो यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प अगर देखा जाए तो यहाँ से आप लोग इन चीज़ों को नोट कर लेंगे। सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो देखिएगा दोस्तों, एक वचन और बहुवचन दोनों में ही सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला लिखा है, विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उपभोक्ताओं द्वारा वस्तु का क्रय किया जाता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। उसी के नीचे दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखा है, निर्देशांक व्यक्त किए जाते हैं। देखिएगा दोस्तों, निर्देशांक प्रतिशत में व्यक्त किए जाते हैं। अगला लिखा है, कालानुक्रमिक वर्गीकृत किए जाते हैं, तो देखिएगा दोस्तों समय में वर्गीकृत किए जाते हैं। अगला लिखा है, केंद्रीय प्रवृत्ति के सर्वश्रेष्ठ माप है, तो देखिएगा दोस्तों समांतर माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति के सर्वश्रेष्ठ माप है। अगला लिखा, दंड आरेख है, तो देखिएगा दोस्तों ये आपका आ जाएगा 1 वीमी। और उसी के नीचे दोस्तों आप लोग यहां से इसको नोट कर लीजिएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति दी गई है, आप लोग यहां से इसको देख सकते हो। रिक्त स्थानों की पूर्ति में सर्वप्रथम पहला लिखा है, संसाधनों की सीमितता की तुलना में आवश्यकताएं कैसी है, दोस्तों असीमित है। उसके अलावा पूर्व में उपयोग किए जा चुके समंक द्वितीयक समंक कहलाते हैं। अगला लिखा है, माध्यिका को ज्ञात करने के लिए श्रेणी को बढ़ते अथवा घटते क्रम में व्यवस्थित करना होता है। अगला लिखा है, वक्र के आकार में परिक्षेपण प्रस्तुत करने वाली आरेखी विधि को लॉरेंज वक्र कहते हैं। और उसी के अथवा में लिखा है दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन लिखा है, वर्गांतर होता है वर्ग की उच्च सीमा एवं निम्न सीमा का अंतर। उसके अलावा अगला क्वेश्चन लिखा है, से संबंध गुणांक का प्रतिपादन किसने किया था, कार्ल पियर्सन ने किया था। और उसी के नीचे दोस्तों ये जोड़ी मिलान आपसे पूछा गया है, तो आप लोग यहाँ से इसका जोड़ी का मिलान देख लीजिएगा। इसी प्रकार से दोस्तों आपको पूरा का पूरा जोड़ी का मिलान कंप्लीट कर लेना है। और आगे देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पे आपसे सत्य असत्य पूछे गए हैं, इन सभी सत्य असत्य को आप लोग नोट कर लेंगे। देखिएगा पहला क्या लिखा है, लॉरेंज वक्र के द्वारा तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। सांख्यिकी विधियाँ पूर्ण रूप से सत्य होती है, ये आपका असत्य हो जाएगा। अगला लिखा है, सूचक स्वयं प्रश्नवली भरते हैं, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। अगला लिखा है, घंटा दिन सप्ताह भौगोलिक वर्गीकरण का उदाहरण, ये आपका असत्य है। समांतर माध्यिका चित्र में प्रदर्शन संभव है, वृत्त चित्र के केंद्र पर कुल 360 डिग्री का कोण होता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। और आगे देखा जाए तो आगे कुछ क्वेश्चन ये लिखे हैं, जो कि आप लोग इस प्रकार से पूरा नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर पूरा का पूरा इनके उत्तर भी लिखे हैं दोस्तों, आप आमने सामने दोस्तों इनके उत्तर भी इस प्रकार से नोट कर पा रहे हो, पूरा का पूरा आप लोग यहाँ से इसको देख लीजिएगा। इस प्रकार से दोस्तों आपको पूरा लिख लेना है। और उसी के नीचे दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप सभी लोग इन क्वेश्चन का रिवीजन जरूर अच्छे से कर लेंगे, बिल्कुल आपके परीक्षाओं में यही क्वेश्चन बनकर आने वाले हैं, जैसा कि दोस्तों मेरे द्वारा यहां पर आपको दिखाए जा रहे हैं। तो आप सब लोग यहां से इन क्वेश्चन का रिवीजन कर लेंगे पूरा का पूरा, आप लोग आगे भी देख सकते हो। इसी प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है। तो देखिएगा दोस्तों, इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।